हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाली हूँ थ्रेड पाइपिंग किस तरह से बनाते हैं, जो हम लोग नेक में यूज़ करते हैं या आप आर्म होल में यूज़ करते हो या साड़ी वगैरह में लगाते हैं, तो वो किस तरह से बनाया जाता है इजीली। वैसे तो मार्केट में भी आपको अवेलेबल मिल जाता है, लेकिन आप घर पर किस तरह से बना सकते हो आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये थ्रेड की ज़रूरत होगा, इसे कॉर्ड भी कहते हैं, ठीक है। और ये आपको किसी भी जहाँ पे आपको अस्तर वगैरह मिलता है वहाँ पे आपको इजीली मिल जाएगा, या किसी भी क्राफ्ट दुकान में जहाँ पे क्राफ्ट का सामान मिलता है वहाँ पे आपको इजीली मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से ले सकते हो। और फैब्रिक, ठीक है, तो फैब्रिक हमें रेप में कटिंग करने होता है, जैसे हम लोग नेक लाइन के लिए कट करते हैं वैसे ही। तो इस तरह से हम फोल्ड करते हैं ताकि ये हमें रेप पट्टी मिल जाए, ठीक है। और फिर हम 1.5 इंच की कटिंग करते हैं, ठीक है। 1.5 इंच की कटिंग करते हैं हम लोग। तो इस तरह से मैं मार्क कर देती हूँ 1.5 इंच में। अगर आपका कपड़ा कम पड़ता है तो आप लोग ज्वाइंट भी लगा सकते हो, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम लोग का कपड़ा कम पड़ जाता है लंबाई में। तो अगर आपको ज़्यादा लंबाई में चाहिए तो आप लोग यानी कपड़े को जोड़ लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने स्केल से लकीर भी खींच दिया है ताकि ये सीधी कटिंग हो जाए। अब मैं इसको कट कर लेती हूँ और ये दो भाग आ जाएगा हम लोग का, क्योंकि ये डबल में है, ठीक है। आप सिंगल में भी कट कर सकते हो, आपकी मर्जी। मैं डबल में कट कर रही हूँ ताकि एक साथ मेरा दो पार्ट्स जो है वो निकल जाए, ठीक है। मैंने डबल में रखा था फैब्रिक को, तो इसकी वजह से ये डबल दो कपड़ा जो है वो एक ही साथ कट हो चुका है और मैंने इसको कट कर लिया है। अब मैं आपको इसको किस तरह से स्टिचिंग करना है वो बता देती हूँ। तो सबसे पहले तरीके में हमें करना ये है फ्रेंड्स, आपको ये थ्रेड लेना है, कोट थ्रेड, ठीक है, पाइपिंग बनाने वाला थ्रेड है ये। और आपको इसको सेंटर में रखना है और फिर इस तरह से सेंटर में रख के कपड़ा को फोल्ड कर देना है और थ्रेड के एकदम नज़दीक से यानी इसके बिल्कुल पास से आपको स्टिचिंग लगाना है, ठीक है। आप चाहें तो सिंगल फुट भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं डबल वाला से ही स्टिच कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि सबके पास सिंगल वाला नहीं रहता है, तो इसकी वजह से। आपको इस तरह से करना है ताकि इसके पास से होते हुए ये आपको इस तरह से बिल्कुल पास से करना है। आप लोग देख सकते हो इस तरह से, और बिल्कुल भी टेढ़ा नहीं करना है, टेढ़ा स्टिच नहीं लेना है आपको इधर उधर। तो पहले तरीके में आप इस तरह से पाइपिंग को बना सकते हो, थ्रेड पाइपिंग को, ठीक है। और ये जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक जो दिख रहा है इसको हम लोग कट कर लेते हैं। तो जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था मैंने उसको कट कर लिया है, ठीक है। अब दूसरा तरीका देखते हैं। अब दूसरी पाइपिंग बनाने के लिए हम लोग इस तरह से, जैसे हमने पहले सेंटर में रखा था, अभी हम लोग साइड में इस तरह से रखेंगे इस तरह से। और सबसे पहले यहाँ पे स्टिच करेंगे, जैसा हमने पहले वाला में किया था वैसे ही हम लोग करेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि अभी मैं सिंगल फुटर का यूज कर रही हूँ।
अब ये स्टिचिंग हो चुकी है। अब जितना ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम लोग इस तरह से फोल्ड करके इस तरह से लाएंगे और इसके बिल्कुल पास में स्टिच कर देंगे। सो फ्रेंड्स, ये दूसरी वाली जो है ये इस तरह से लगेगी, जो इस तरह की पाइपिंग जो है हमें मार्केट में मिलती है। तो इसी तरह से मैंने आपको बता दिया दो तरह का पाइपिंग बनाना। ये आप लोग देख सकते हो, ये फिनिशिंग के साथ नहीं है और ये फिनिशिंग के साथ है जो मार्केट में हमें मिलती है इस तरह की पाइपिंग। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ में चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक भी कीजिएगा। अगर आपकी कोई क्वेश्चन है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हो। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय।